पवित्र कार्तिक पूर्णिमा का आज स्नान है और हम इस समय हर की पौड़ी पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आस्था का जो जन सैलाब है वो हर की पौड़ी पर इस समय उमड़ा हुआ है। और अगर धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो हरिद्वार जो हर की पौड़ी पर है, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर जो श्रद्धालु आते हैं, माना जाता है कि गंगा घाट पर आज के दिन दान पुण्य करने के साथ साथ जो गंगा स्नान है उसका अलग ही महत्व है। और कहा यह जाता है कि आज के स्नान का जो महत्व है वो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर महत्व माना जाता है। और जिस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है तो उसको लेकर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और सुरक्षा की बात की जाए तो हरिद्वार जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा हुआ है। इसके अलावा आसपास के जिलों से जो फोर्स है वो इस मेले के लिए मंगाई गई है। साथ ही साथ यातायात एक सबसे बड़ी चुनौती हरिद्वार प्रशासन के लिए है, तो यातायात को लेकर कई प्लान किए गए हैं और भीड़ के दबाव के साथ साथ उन प्लानों पर काम किया जाएगा। और अगर मैं भीड़ की बात करूँ तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो वैसे वैसे यहाँ पर आस्था का जो जन सैलाब है वो उमड़ता जाएगा। हरिद्वार से न्यूज़ स्टेट के लिए महावीर नेगी। कहाँ से आई? तारकेश्वर नाम है जी। काहे का स्नान है? कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और इसी स्नान में हम लोग हरिद्वार हर की पूर्णिमा स्नान करने आए हैं। और समाज और परिवार के कल्याण के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या मांगा माँ गंगा से? क्या मांगा माँ गंगा से? माना तो सबके कल्याण के लिए मांगे हैं जी। अंजू शर्मा रुड़की से आए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, क्या मान्यता है, क्या मांगा माँ? इसका व्रत रखते हैं इसलिए स्नान दान करने के लिए आते हैं। आपने क्या मांगा? यही घर परिवार के लिए सुख शांति होनी चाहिए। Yeah.
एक मिनट जाओ।